महाराष्ट्र शासन और मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बोरीवली के नेशनल पार्क में पावन खिंड दौड़ मैराथन का आयोजन किया गया था। इस पावन खिंड दौड़ को सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक मनीषा चौधरी ने झंडा दिखाया। पावन खिंड दौड़ में हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया और नेशनल पार्क के अंदर दौड़ लगाया। देखिए, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह क्रीड़ा महाकुंभ का आयोजन किया गया है। मैं मंगल प्रभात लोढ़ा जी, हमारे पालक मंत्री और दीपक केसरकर जी का अभिनंदन करूंगा, और इन दोनों का अभिनंदन करने के पहले देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने खेल महोत्सव के माध्यम से देश भर में करोड़ों युवा युवतियों को जागरूक किया। पिछले ओलंपिक में हमने 107 से भी ज़्यादा मेडल जीत कर लाए, आने वाले दिनों में इसकी संख्या बहुत बढ़ने वाली है। और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन से हमारे जो खिलाड़ी होते हैं उनमें एक प्रोत्साहन पैदा होता है, और आज सवेरे 7 बजे आपने देखा हो कि हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चे भाग लेने के लिए आए। मैं इस आयोजन के लिए हमारे स्थानीय विधायिका मनीषा ताई चौधरी जी का भी अभिनंदन करना चाहूँगा, हमारे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रेवती कुलकर्णी, उनके सभी साथी पदाधिकारी, हमारे गणेश खनकर है। हम संकल्प करते हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रकार का खेल का आयोजन करते हुए अधिक से अधिक जो क्रीड़ापटु होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, मैं तो सरकार का अभिनंदन मैंने किया, सरकार इतना डीपली सोचती है, एक कार्यक्रम के बाद में दूसरा, दूसरे कार्यक्रम के बाद में तीसरा, लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से देश के नागरिकों को जोड़े रखना और सिर्फ नाम के लिए कार्यक्रम ना करना, तो पूरी तरह से सभी प्रकार की व्यवस्था इंतजाम करते हुए इस प्रकार का कार्यक्रम करना, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इस बात का दावा नहीं करता हूँ कि 100% परफेक्ट है, कमियाँ और खामियाँ तो हमेशा होता है, लेकिन हर कार्यक्रम में से जो जो कमियाँ है उसको ढूंढते हुए अगला कार्यक्रम इससे कैसे अच्छा हो, उसका प्रयास करने की एक आदत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को पड़ा है, ऐसा मैं मानता हूँ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे देश में मैराथन किए हैं, ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र में हर जगह पे खेलो इंडिया के माध्यम से आज दौड़ चालू है। परसों ही टाटा का हो गया, आज यहाँ हमारे पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी और हमारे मुंबई शहर के पालक मंत्री केसरकर साहब, इनके माध्यम से आज मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क में 10 साल के बच्चों से लेके 80 इयर्स अबाव सभी लोगों का आज दौड़ यहाँ आयोजित किया था। इसका उद्घाटन हमारे लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी जी, हमारे इस नेशनल पार्क के अधिकारी हमारी रेवती कुलकर्णी जी, हमारे सभी पालक मंत्री के जिला क्रीड़ा के सभी अधिकारी, हमारे गणेश खनकर जी, नगर सेवक जितेंद्र पटेल, सब लोगों ने यहाँ आके लोगों का उत्साह बढ़ाया है। ये खेलो इंडिया के माध्यम से आज आप देखेंगे तो हर जगह ये दौड़ चल रही है, इससे लोगों को श्वास के लिए अच्छा होता है। और संजय गांधी नेशनल पार्क का आज जो एक वातावरण है, वो वातावरण में लोगों को दौड़ करने का और मजा आती है। मोदी जी ने जो संकल्प किया है उसके अनुसार आप देखते होंगे कि पूरे भारत में खेलों का आयोजन होता है, उसी के अनुसार आज यहाँ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। सवेरे आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया हुआ है, और मुझे बताने में बड़ा हर्ष होता है कि बच्चों के साथ साथ बहुत ही कम उम्र, यानी हमारे समंजिस्कर जी जो हमारे सावरकर नगर में रहते हैं, 81 वर्ष के उम्मीद वो यहाँ पर स्पर्धक है जो आज यहाँ दौड़ने के लिए आए हुए हैं, और बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर हुआ है। हमारे सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, हमारी सांसद मनीषा ताई चौधरी, रेवती कुलकर्णी जी, महाजन सर, ये सारे यहाँ के अधिकारी, और साथ ही में मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने क्रीड़ा विभाग के सारे अधिकारियों के साथ इसका बहुत अच्छा आयोजन किया है। मैं सबको शुभकामनाएँ देता हूँ और इसी तरह के आयोजन होते रहने चाहिए ये उम्मीद भी करता हूँ।